हम बात कर रहे हैं वैदिक नंबर 6। बहुत अच्छा नंबर है, अगर आज के समय में देखा जाए तो शुक्र का अंक है और सभी जानते हैं कि शुक्र का नंबर, आप लोग एस्ट्रोलॉजी भी अच्छे से पढ़े हुए हो। बिजनेस सलोनी, जरा आप अच्छे से सुनना, आपके लिए नया टॉपिक है बिल्कुल ग्रहों का। इसलिए शुक्र जो ग्रह है बहुत ही सौम्य ग्रह है, ऐसा ग्रह है कि सामने वाले को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेता है, भौतिकता का सुख देता है। यानी कि आज के समय में धन की जरूरत सबको है। अब फाइनेंस, वित्त, जितना आर्थिक सिचुएशन हमारी खराब हो रही है, ये सब शुक्र से ही जुड़ी हुई है। विलासिता का नंबर है, मोह का नंबर है, ये सुख का नंबर है। जिंदगी में जितने भी सुख इंसान को खुश करते हैं अगर देखे जाए तो वो सब 6 नंबर ही देता है। और वो सुख हर तरह का हो सकता है, मेन मतलब पैसे से जुड़े वाला जितना भी सुख है, मतलब हर चीज पैसे से ही जुड़ी है, क्योंकि आप सब जानते हो कि पैसा सबसे बड़ा है। भगवान तो नहीं पर भगवान की तरह ही है, और हर चीज जो पैसे से खरीदी जा सकती है वो हमारा शुक्र ही देता है। विवाह के लिए भी इसी ग्रह को लेते हैं, तो जिसकी कुंडली में, सॉरी, जिसकी अपने न्यूमरोलॉजी के अंक में 6 नंबर अगर अच्छे से आ रहा है, ज्यादा बैलेंस है या बहुत ज्यादा नहीं है या बिल्कुल कम, एक भी नहीं है, तो उसके लिए थोड़ी सी परेशानी होती है इस शुक्र के लिए। ये फैमिली का नंबर है, ऐसा इंसान जो है ना परिवार से जुड़ा रहता है, लेकिन ज्यादा 6 आने से इंसान अयाश भी बन जाता है, क्योंकि उसके कामुकता का सुख इतना बढ़ जाता है कि उसको अपने पार्टनर से एक रिलैक्सेशन जो चाहिए वो उसको पूरी तरह से नहीं मिल पाता, इसलिए उसका माइंड जो है ना बाहर ही भटकता रहता है। यानी कि संसार के दूसरे सुखों की तरफ वो हमेशा भागता रहता है, विलासिता और दूसरों की संपत्ति पे ही उसकी नजर रहती है। गाड़ियों का उसको बहुत शौक होता है, घर उसका बहुत सजा सवरा होता है, उसको हर चीज सजी सवरी चाहिए, दिखावे की तरह चाहिए। उसके चेहरे पर इतना तेज होता है, जिसका 6 नंबर बैलेंस होता है, उसको देखते ही आप मोहित हो जाओगे कि वाकई इसके चेहरे पर ऐसा कुछ है जो कि आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं सकते। लेकिन 6 नंबर एक्सेस में भी आना तो इंसान की जिंदगी का पतन होना भी निश्चित है, समझो। 15 अंक, अगर मैं अभी फिलहाल चाइना की बात करूं, तो मैंने अभी प्रिडिक्शन लिखी है, चाइना का नंबर है 15। और आपने देखा है कि जितने भी हमारे गुड्स हैं, मटेरियलिस्टिक हम चीजें ले रहे हैं, सब चाइना से ही ले रहे हैं। लेकिन अब हमारे भारत का जैसे ही 2020 शुरू हुआ, 6 और 4 का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया अच्छे से, सारा देश आप सब देख रहे हैं किस बुरी हालत से गुजर रहा है। 15 वाला जो 6 है वो विवाह में थोड़ी सी परेशानी लाता है। रीजन क्या है कि एक सूर्य है और 5 बुध है। अब सूर्य और बुध का जहां भी शुक्र से संयोग बनेगा, तो सूर्य और शुक्र विवाह के लिए जब भी इकट्ठे आते हैं तो विवाह में विच्छेद करवा देते हैं, अलगाव करवा देते हैं, वैवाहिक सुख में दूरी कर देते हैं। आप लोग अगर होरोस्कोप में भी अगर देखोगे या 15 नंबर के साथ का जब भी देखोगे कुछ भी, तो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस मिलेगी आपको। बुध क्या देता है, शुक्र के योग के भोग को बढ़ा देता है। मतलब उसका जो बुद्धि है ना शुक्र की विलासिता वाली, वो हमेशा इसी में लगी रहेगी कि मुझे अच्छा पैसा, अच्छा अपोजिट की तरफ मेरा अट्रैक्शन, वो सब उसको बहुत ही ज्यादा रखेगा कि मुझे चाहिए चाहिए, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। 24 वाला जो 6 है, इसके अंदर भी विलासिता और कामुकता की तरफ ज्यादा बढ़ाता है, क्योंकि 4 नंबर फिर से वही आ गया आपके राहु का, और चंद्रमा 2 नंबर। अब राहु के आने से इंद्रिय सुख में क्या हो गई, और भी बढ़ोतरी हो गई। अब यहाँ राहु और ये 6 नंबर क्या करेंगे कि साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, चाहे उसको कहीं से भी मिले। 6 नंबर थोड़ा सा मन को भटकाता भी है, क्योंकि चाहिए चाहिए तो मन को तो भटकेगा, तभी तो वो उसको आगे अयाशी में या गलत कामों की तरफ रहेगा। ये लोग अगर ज्यादा एक्सेस में 6 आ जाए तो मन के साफ भी नहीं होते, इनको पूरी तरह से विलासिता चाहिए, आराम चाहिए। और अगर 6 नंबर की बात करें, अगर बैलेंस है या सिर्फ सिंगल 6 है, ज्यादा 6 नहीं आ रहा आपकी न्यूमरोलॉजी में किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में, तो समझो आप फैमिली के साथ आपका बहुत ही लगाव रहेगा, और घर रखोगे तो सजा सवरा रखोगे, लेकिन आपको अंदर से लगेगा कि मुझे खुद भी अच्छे कपड़े पहनने, अपने आप को मेंटेन करके रखना है, उसमें आपका दिखावा नहीं आएगा। भले सामने वाला भले ही आपके दिखावे में अट्रैक्ट हो जाए, वो एक अलग है, लेकिन आपका नहीं आएगा कि भाई मुझे किसी को अपने ऊपर बस में करने के लिए सब करना है, अगर बैलेंस 6 है तो, यानी कि बैलेंस आपका शुक्र है तो।
अब अगर हम इसमें बिजनेस में जाएं तो 6 नंबर के बिजनेस को आप खुद ही, जैसे मैंने सबसे बोला लग्जरी है, शुक्र क्या है, ब्यूटी है, हार्मनी और प्यार से जुड़ा हुआ है। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे इंसान को, ये ऐसा इंसान डिजर्व भी करता है कि इस तरह के बिजनेस को लाना और अपनी ही क्रिएटिविटी से सामने वाले को और भी सुंदर बना देना। अब क्रिएटिविटी कैसे, अब किसी का मेकअप कर रहे हो तो नेचुरली के सामने वाला कैसे क्या हो जाएगा। तो बिजनेस करने के लिए ज्वेलरी का बिजनेस अच्छा है, इसमें स्टोन्स के बिजनेस है, परफ्यूम वगैरह जो इत्र है, सेंट का, मेकअप के जितने भी हमारे हैं, टेक्सटाइल बिजनेस के लिए भी अच्छा है। मार्केट में अगर और भी आगे बढ़े तो कपड़े हैं, कपड़े एक्सपेंसिव वाले कपड़े हैं, गारमेंट्स जो आजकल चल रहे हैं, बड़े ही उबड़ खाबड़ से कपड़े चल रहे हैं, तो वो सब इसमें 6 नंबर, क्योंकि सामने वाला जब तक अट्रैक्ट नहीं हुआ तो 6 नंबर का आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं आप देखोगे, उसमें सब में 6 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आ रहा होगा। सिनेमा के डायरेक्टर्स हैं, हमारे हीरो हैं, या जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, क्रिएटिव में हैं, डिजाइनिंग में हैं, मीडिया में हैं, प्रिंटिंग में हैं, सिनेमा थिएटर से जुड़ा ले लो, ये सब आर्टिस्ट टैलेंट जितने लोगों के पास भी है वो 6 नंबर आ रहा है। 6 नंबर फाइन आर्ट्स भी देता है, जैसे कि म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, और कुछ बच्चे भी हमारे आजकल के सारे एडवांस है, कुछ ना कुछ करके वीडियोस डालते रहते हैं, उसमें सब में 6 नंबर है। कुछ लोग, कुछ बच्चे होते हैं कि शर्म की वजह से वीडियो बनाते ही नहीं है, लेकिन उनके अंदर टैलेंट इतना होता है, वहां कहीं ना कहीं 6 नंबर मिसिंग है। क्योंकि 6 नंबर क्या करता है, दिखा देता है कि मैं आ जाऊं दुनिया के सामने, खड़ा आ जाऊं सामने स्टेज पे, लेकिन अगर 6 नंबर मिसिंग है तो आपके अंदर ये सब काबिलियत होने के बावजूद भी आप अपने आप को स्टेज पर नहीं उतार पाओगे। बहुत ही नेम फ्रेम, नेम फेम और बहुत ही अचीवमेंट का नंबर है ये।